पाकिस्तान आने क्या कर रहे हैं? किसी तरह का डर है आपको? अरे कोई डर नहीं है भैया, कोई डर नहीं है। अरे डर नहीं है, डर क्यों है? अच्छा घूमने के लिए जयपुर में ये तमाम किसी तरह की क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है ये इनका कहना है, लेकिन देखिए चेहरे इनके बताते हैं कहीं न कहीं भय है, किसी कहीं न कहीं डर है, और इसी कारण से इन विधायकों को आप देख सकते हैं कि यहाँ लाया गया है, कुछ भी बोलने से सब ठीक है, कुशल मंगल है। पार्टी की रणनीति होती है, रणनीति के भाग के रूप में यहाँ पर है। सब पार्टी की जो योजना है, योजना के आधार के सब ऊपर है, सब ठीक ठाक है। कुछ भी नहीं है, पार्टी की रणनीति होती है, रणनीति का ये भाग। कितने विधायक आए सर? कितने विधायक आए? कितने विधायक जितने मैंने गिने नहीं, जितने आपके सामने आए हैं। आप अपने पहली खेप है या और भी आएंगे? पहली खेप है और भी आएंगे। तो गुजरात के कांग्रेस विधायक पहुंच चुके हैं जयपुर, ये तस्वीरें आपके सामने, बस में वो सवार हो चुके हैं। अब सीधे यहां से रवाना होंगे होटल जहां पर इनको ठहराया जाएगा, वहां पर ले जाया जा रहा है। बस में सवार हो चुके हैं महेश जोशी, महेंद्र चौधरी वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा को भी आपने सुना, उन्होंने बात करने की कोशिश की विधायकों से। विधायक कह रहे कि सब ठीक है, सब अच्छा है, पार्टी की कुछ रणनीतियां होती हैं, कुछ योजनाएं होती है, उसके अंतर्गत ही विधायकों को यहाँ पर लाया जा रहा है। हालांकि कुछ विधायकों को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये वो बस जिसके जरिए इनको होटल ले जाया जाएगा, वहाँ पर ठहराया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये सिर्फ पहली खेप है, कल फिर से और विधायक गुजरात से यहां पर पहुंचेंगे। लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं डर कांग्रेस के भीतर, और अपने विधायकों का नुकसान ना हो इस वजह से बाड़ेबंदी की जा रही है। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक पहुंचे जयपुर, इनको सीधे एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा होटल, होटल में रखा जाएगा आने वाले 3-4 दिनों तक, या फिर हो सकता है अभी कितने दिन यहां पर रुकेंगे इसको लेकर तस्वीर साफ है नहीं, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि ये कुछ विधायक, लेकिन कल फिर से हो सकता है कि गुजरात से कांग्रेसी विधायक यहां पर पहुंचे। राज्यसभा के चुनाव होने हैं जिसको लेकर डर कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर, एक तरफ मध्य प्रदेश के विधायक और दूसरी तरफ है गुजरात के कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने का संकट इस वक्त विधायकों के सामने है, लेकिन गुजरात की जो तस्वीर है वो इससे बिल्कुल अलग है। वहां पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों को जयपुर लाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी सूबे की सरकार पर, और आप देख रहे हैं महेश जोशी वहां पर, महेंद्र चौधरी वहां पर मुलाकात उन्होंने की। हालांकि महेश जोशी ने भी मीडिया से कहा कि जितने विधायक आपको दिख रहे हैं उतने ही यहां पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि और भी विधायक आएंगे इसको लेकर कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। लेकिन ये लगातार तस्वीरें आपके सामने, बस में सवार हो चुके हैं तमाम कांग्रेसी विधायक और यहाँ से सीधे जाएंगे होटल जहाँ पर इनको रखा जाएगा। वहां पर लगातार निगरानी होगी, लगातार इन पर नजर रखी जाएगी। हालांकि लगातार सेल फोन्स इनसे दूर रखे जाएंगे ताकि संपर्क किसी से ना कर पाए, और जो बाड़ेबंदी की जा रही है वो लगातार जारी है, कांग्रेस अपनी तरफ से कर रही है गुजरात में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन एमपी में भी लगातार एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। फिलहाल मीडिया